सर बहुत बड़ी बात है हमारे लिए और बैक टू बैक ब्रॉन्ज मेडल जीतना आई थिंक ये हिस्ट्री है हमारे लिए और हॉकी के लिए बहुत बड़ी बात है। हम यहाँ आए थे गोल्ड के लिए और जैसे हमने लोगों को दिखाया कि हॉकी में इंडिया टीम बेस्ट है और अपना अच्छा परफॉर्म कर रही है। आई थिंक हम बहुत क्लोज थे बट हम और ज़्यादा डिजर्व करते थे, बट ये जर्नी है, यहीं से अब हम सीखते हैं और ये सीख हमें आगे जाके बहुत हेल्पफुल रहेगी। बट वी आर सो प्राउड कि हमने ये ब्रॉन्ज मेडल जीता और बहुत खुश हैं हम तो। सर पीआर सुरेश जी रिटायरमेंट क्या कहेंगे आप? इज अ लेजेंड सर, नो डाउट अबाउट इट, बिकॉज जितना समय उन्होंने हॉकी को दिया है और हमारे टीम के साथ स्पेंड किया है और उनकी जो जर्नी रही है बहुत बहुत सारा स्ट्रगल, बहुत सारा हार्डवर्क रहा है और आई थिंक सबसे स्पेशल ये मोमेंट है कि वो अगर अपनी रिटायरमेंट अनाउंस करके जा रहे हैं और हमने ब्रॉन्ज मेडल के साथ उनको भेजा है, तो इससे बड़ी बात उनके लिए भी नहीं हो सकती है। सर बहुत बड़ी बात है हमारे लिए और बैक टू बैक ब्रॉन्ज मेडल जीतना आई थिंक ये हिस्ट्री है हमारे लिए और हॉकी के लिए बहुत बड़ी बात है। हम यहाँ आए थे गोल्ड के लिए और जैसे हमने लोगों को दिखाया कि हॉकी में इंडिया टीम बेस्ट है और अपना अच्छा परफॉर्म कर रही है, आई थिंक हम बहुत क्लोज थे बट हम और ज़्यादा डिजर्व करते थे, बट ये जर्नी है, यहीं से अब हम सीखते हैं और ये सीख हमें आगे जाके बहुत हेल्पफुल रहेगी। बट वी आर सो प्राउड कि हमने ये ब्रॉन्ज मेडल जीता और बहुत खुश हैं हम तो। सर पीआर सुरेश जी रिटायरमेंट क्या कहेंगे आप? इज अ लेजेंड सर, नो डाउट अबाउट इट, बिकॉज जितना समय उन्होंने हॉकी को दिया है और हमारे टीम के साथ स्पेंड किया है और उनकी जो जर्नी रही है बहुत बहुत सारा स्ट्रगल, बहुत सारा हार्डवर्क रहा है और आई थिंक सबसे स्पेशल ये मोमेंट है कि वो अगर अपनी रिटायरमेंट अनाउंस करके जा रहे हैं और हमने ब्रॉन्ज मेडल के साथ उनको भेजा है, तो इससे बड़ी बात उनके लिए भी नहीं हो सकती है। सर बहुत बड़ी बात है हमारे लिए और बैक टू बैक ब्रॉन्ज मेडल जीतना आई थिंक ये हिस्ट्री है हमारे लिए और हॉकी के लिए बहुत बड़ी बात है। हम यहाँ आए थे गोल्ड के लिए और जैसे हमने लोगों को दिखाया कि हॉकी में इंडिया टीम बेस्ट है और अपना अच्छा परफॉर्म कर रही है, आई थिंक हम बहुत क्लोज थे बट हम और ज़्यादा डिजर्व करते थे, बट ये जर्नी है, यहीं से अब हम सीखते हैं और ये सीख हमें आगे जाके बहुत हेल्पफुल रहेगी। बट वी आर सो प्राउड कि हमने ये ब्रॉन्ज मेडल जीता और बहुत खुश हैं हम तो। सर पीआर सुरेश जी रिटायरमेंट क्या कहेंगे आप? इज अ लेजेंड सर, नो डाउट अबाउट इट, बिकॉज जितना समय उन्होंने हॉकी को दिया है और हमारे टीम के साथ स्पेंड किया है और उनकी जो जर्नी रही है बहुत बहुत सारा स्ट्रगल, बहुत सारा हार्डवर्क रहा है और आई थिंक सबसे स्पेशल ये मोमेंट है कि वो अगर अपनी रिटायरमेंट अनाउंस करके जा रहे हैं और हमने ब्रॉन्ज मेडल के साथ उनको भेजा है, तो इससे बड़ी बात उनके लिए भी नहीं हो सकती है।